छोड़ दिया। देखिए, पिछला जो वीडियो था वो 5 मिलियन व्यूज होने के बाद में ये दूसरा वीडियो बनाया जा रहा है जो कि ऑल इन वन पॉलिश वीडियो के बारे में है। बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसके जवाब के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो सवाल बहुत सारे ऐसे थे कि जो कॉमन कॉमन सवाल थे उनको हमने उठाया है। जो सबसे पहला सवाल यह था, क्या ये ऑल इन वन पॉलिश को हम इस तरह से स्कूटी पे डाल सकते हैं, जो कि देखिए ये बहुत ही फेड हो चुका है ये पार्ट, ठीक है ना, कम से कम 3 से 4 साल हो गया है। और फेड क्यों होता है, किस लिए होता है, वो वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम फिर से लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये एकदम ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना, क्या लगाने से, ये प्रोडक्ट लगाने से, BMW का ऑल इन वन पॉलिश जो कि स्कूटी के ऊपर लगाने के लिए बनाया गया है। तो ये डेमो वीडियो है और पूरा वीडियो कंप्लीटली एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। बिड़ी 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 इले नॉट एन इश्यू, एडिटिंग कल मार को बोल रहा। तब देखिए, अभी हम इसको खोल रहे हैं, खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो अभी हम ले रहे हैं स्पंज ले रहे, ठीक है ना। अब देखिए, बहुत थोड़ा लेना है, ज्यादा भी नहीं लेना है। ये देखिए, एकदम गाढ़ा लिक्विड आएगा ये, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरे पार्ट पे टैप करते जाएंगे। अब देखिए, टैप करते जाएंगे और थोड़ा ले लेंगे। इतना लगाने के बाद हम इसको अब स्क्रब करते जाएंगे। आप ऐसे स्पंज भी ले सकते हैं या फिर एप्लीकेटर अवेलेबल होता है, एप्लीकेटर भी ले सकते हैं। अगर कभी कभी क्या है, कुछ कुछ लोगों को एप्लीकेटर अवेलेबल नहीं होता है, तब क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर के दुकान में ये स्पंज वगैरह मिलते हैं, 10-20 रुपए का स्पंज मिलता है, उससे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हम लगाते जा रहे हैं इसको। बहुत एकदम अच्छे से इसको स्प्रेड करना है आपको। ये क्या कर देता है, जितना भी फेड हुआ रहता है ना पार्ट्स, उसको क्या करता है, पूरा पहले साफ कर देता है, ठीक है ना। साफ करने के बाद में फिर ये एकदम अपनी चमक छोड़ के चले जाता है। जो ये पार्ट रहता है विनाइल का पार्ट, क्या है ना, एक एक मटेरियल एक एक पार्ट से बनता है, फाइबर नहीं है एक्चुअली, ये विनाइल है। और इसके ऊपर जब हम ये प्रोडक्ट, मतलब ये केमिकल जब इसके ऊपर गिर जाता है, तो ये क्या करता है, ये जो पार्ट है ना उसको सक कर लेता है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा और ले लेंगे, देख लीजिए। आप देख सकते हैं पूरा एकदम फेड हुआ था, धीरे 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 वो ब्लैक हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस होता है पूरा, ये केमिकल खींच लेता है, मतलब ये जो पार्ट है केमिकल को खींच लेता है, ठीक है, समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूं। अभी नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, दूसरा स्पंज लेंगे, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखा गया, पॉलिश है, ठीक है ना। तो पॉलिश का मतलब क्या होता है कि हम फिर से इसको पॉलिश करते जाएंगे। देखिए, जितना हम अच्छे से इसको पॉलिश करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एकदम आपको चमक देना स्टार्ट करेगा, ये देखिए, ठीक है। और बहुत लोगों का ये सवाल था, क्या ये ऑयली आता है, देखिए ऑयली नहीं है ये, इसको मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। जब भी आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे और इसको देखोगे, देखो तेल बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑयली नहीं रहता है ये, ठीक है ना। ये स्पेशली इस पार्ट्स के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए वाले प्रोडक्ट भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलते, लेकिन उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि 100% प्योरिटी प्रोडक्ट है आपके लिए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एकदम प्योर है, देखिए प्रोडक्ट ये, ठीक है। कोई भी दूसरा ब्रांड भी ले लीजिए, BMW का जो ऑल इन वन पॉलिश है ये स्पेशली इसी पार्ट्स के लिए बनाया जाता है।
अब सवाल ये उठता है कि ये कितने दिन तक रह सकता है। अब लगाने के बाद हमने इसको लगा दिया, ठीक है ना, कितने दिन तक रह सकता है, क्या ये परमानेंट रहेगा? देखिए परमानेंट किसी भी हालत में नहीं रहेगा ये। कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 15 दिन में एक बार जब भी आप गाड़ी वॉश करवाने जाते हैं, करवाने के बाद में इसको बार बार जब आप लगाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा परमानेंट हो जाएगा ये। मतलब बार बार लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप एक बार लगा लेंगे और कम से कम 6 महीना तक रहेगा, वो नहीं रहेगा, परमानेंट नहीं रहता है, आपको बार बार लगाना पड़ता है इसको। कम से कम हफ्ते में, मान के चलिए एक बार हफ्ते में, जैसे कि आप संडे के दिन या कभी कभी छुट्टी रहता है, छुट्टी के दिन आप इसको लगा लेंगे तो अच्छा खासा काम करेगा। आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या होता है, गाड़ी को पहले वॉश करना पड़ता है, ठीक है। अभी आपने देखा हमने वॉश भी नहीं किया इस पार्ट को, ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी धूल मिट्टी वगैरह रहता है। तो ये कहा, ये प्रोडक्ट काम क्या किया पता है, एक तो पूरा साफ भी कर दिया इसको, हमको पानी की जरूरत भी नहीं पड़ी। दूसरा क्या काम किया है, ये कंप्लीटली जब इसके ऊपर लग गया ना, धूल मिट्टी सब इसके साथ में आ गया, ठीक है ना, और वापस क्या किया, पूरा उसको एक लेयर शाइनिंग भी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं शाइनिंग। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको डिफरेंस भी दिखाएंगे, एक मिनट रुकिए, डिफरेंस देखिए आपको, पहले कैसा था अब कैसा है, दिख रहा है डिफरेंस आपको? अब फिर से देखिए, जब हम बीच में का जो टेप है वो टेप हटाएंगे, हटाकर अब हमको आपको दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि एकदम बहुत सारा डिफरेंस आपको दिखेगा। अब देखिए, दिख रहा है एकदम डिफरेंस आपको, दोनों पार्ट अलग हो गए। देखिए ये एकदम ब्लैक पार्ट हो गया और एकदम डल फेडेड वाला पार्ट है, ठीक है। अब आपका सवाल ये था ना कि क्या ये ऑयली है, देखिए मैं अभी फिर से भी बोल रहा हूं और एक बार बताता हूं, ये बिल्कुल ऑयली नहीं है। अगर ऑयली होता, अगर हम इसको ऐसा स्प्रेड करते तो वहां पर भी लगता, देखिए ये ऑयली ही नहीं है ये। और दूसरा सवाल ये था, क्या इसके ऊपर धूल बैठता है, अगर हम बाहर लेके जाएंगे या फिर कहीं लेके जाएंगे, क्या धूल बैठता है? तो क्या टीवी के ऊपर हो गया, मोबाइल के ऊपर जो डस्ट रहता है ना, वो नॉर्मली इसके ऊपर आके चिपक जाता है, लेकिन वो आपको पॉलिश को कुछ हार्म नहीं पहुंचाएगा। अब इस तरह से आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके जब इस तरह से आप पहुंच लोगे ना, तो ये जैसा था ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, ये गारंटी है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, भी ऐसा जरूर रहेगा। अब हम इस पार्ट पे भी लगा के आपको दिखा सकते हैं। अब देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसके ऊपर भी आपको लगा के दिखाएंगे हम, ठीक है ना। हाँ यस। अब देखिए हम फिर से ले रहे हैं, देखिए थोड़ा सा लिया है, अब हम इसको टैप करेंगे। हम इसको धीरे धीरे पहुंच लेंगे अभी हम। तो क्या होता है, कम से कम लाखों रुपए देके जब हम टू व्हीलर वगैरह लेते हैं, जब उसका हम ख्याल ठीक से नहीं रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। अब अगर आप इसको ऐसे ही फेडेड पार्ट को ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, गाड़ी गंदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बार बार जब आप इसको ऐसे इस तरह से ख्याल रखना स्टार्ट करोगे, क्या रीवैल्यू भी अच्छा आता है गाड़ी का, ठीक है ना। क्या एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हो गया, 15 दिन में एक बार हो गया, जब आप इसको लगाते रहोगे बार बार, तो गाड़ी का जो ये ब्लैक पार्ट्स है ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा वापस, बिल्कुल ये नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसके अंदर यूवी स्टेबलाइजर्स है जो कि धूप से प्रोटेक्ट करता है इस पार्ट को, स्पेशली इसी प्रोडक्ट के लिए, ये है, ये मटेरियल के लिए बनाया गया ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, अब सब मान के चलिए हम थोड़ा ज्यादा लगा दी, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, ज्यादा लगा दिया। तब क्या करना चाहिए, इस तरह से माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके ऐसा पहुंच लीजिए, पहुंचने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ना वो इस कपड़े के साथ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम टेप उठाएंगे, आपको पता चलेगा कि क्या काम करता है ये चीज है भाई, ऐसा ही नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है ना। देखो अभी दिख रहा है,
ये है BMW का कमाल, पूरा का पूरा दूसरा शेप आ गया। ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट भी अलग हो गया, देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा पार्ट ही दूसरा हो गया है। अब फिर से बता रहे हैं हम, जो भी आपके सवाल थे सारे कवर कर लिए हमने। यही प्रोडक्ट है, BMW का ऑल इन वन पॉलिश है। अगर इसको कोई भी परचेज करना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पिन किया गया वेबसाइट लिंक है, वहीं पर आप परचेज कर सकते हैं। भारत के अंदर जितने भी पिन कोड से, सारे पिन कोड के अंदर हम डोर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना भाई साहब। अब फिर से एक बार देख लीजिए, जी भर के देख लीजिए, हम फिर से बता रहे हैं ऑयल नहीं है भाई ये। क्योंकि बहुत सारे, पिछला जो वीडियो था ना उसके अंदर इतने सारे कमेंट्स थे, बहुत लोगों ने बोला कि ऑयल रहेगा, बिल्कुल ऑयल नहीं है। आप देख सकते हैं लग ही नहीं रहा हाथ पे। अभी हम पूरा इस बाइक पे लगाएंगे और लगा के आपको पूरा वीडियो छोड़ देंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको सारा सवाल का जवाब मिल गया हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कंटेंट भी अगर आपको अच्छा लगा हो, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हम व्हीकल्स के रिलेटेड लेके आएंगे, BMW के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताते जाएंगे, एक 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 वीडियो छोड़ते जाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।